दोनों ही अगल बगल की टीमें एक दूसरे के सामने आज के दिन के दूसरे मैच के लिए, आज के दिन की दूसरे मैच के पहले ओवर की पहली गेंद को लेकर बॉलिंग मार्क पर जो काशी उल्टास कड़ा प्रहार, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन के साथ अपने खाते को खोला बल्लेबाज नवीन ने। काशी तथा नवीन दोनों ही आज जो एक दूसरे के सामना कर रहे हैं, अक्सर दोनों ही खिलाड़ी एक ही टीम से अक्सर खेला करते हैं जो एनसीबी टीम के जो प्रमुख अंग है, लेकिन आज 11 ब्रदर्स कारवार की ओर से नवीन तथा आयुषु 11 की ओर से काशी। इस बीच गौरव राणे बिल्कुल आक्रामक अंदाज में अपना भी खाता खोलते हुए दोनों ही बल्लेबाजों ने छक्के के जरिए अपने खाते को खोला है। आक्रामक ढंग की जो शुरुआत 11 ब्रदर्स कारवार टीम के लिए, कुल स्कोर जो पहुंच चुका ठीक 13 रन। और इसी बीच सभी खेल प्रेमी उनके लिए एक और जो खुशखबरी है, एक और टूर्नामेंट जो हो जाएगा इसी मैदान पर आने वाले, सॉरी जो फेब्रुवरी है 16, 17, 18, 19 तारीख से गोल्डन स्टार मल्लापुर द्वारा एक और टूर्नामेंट हो जाएगा। उस टूर्नामेंट का जो नाम है फ्रेंड्स कप 2023, इसे आयोजित करेंगे गोल्डन स्टार ग्रुप फ्रॉम मल्लापुर। बिल्कुल क्रिकेट का त्योहार जो कालिका माँ के आशीर्वाद के साथ, जो कालिका माता के मैदान पर मिस टाइम शॉट, लेकिन फील्ड रिस्ट्रिक्शन का एडवांटेज मिलता हुआ बल्लेबाज के पास, बढ़िया फील्डिंग का प्रेशर वहां पर, फाइन लेग तथा स्क्वायर लेग की दिशा में 2 रनों का जो मामला रहा, 2 रन के जरिए कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन। महंगी गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए जो काशी है, काफी सीनियर मोस्ट खिलाड़ी जो कारवार से एनसीबी के प्रमुख खिलाड़ी है, आज आईसी 11 की ओर से इस बार पुल टॉस को लेकर खेल दिया, गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर जो 4 रनों के लिए। आक्रामक जोड़ी बिल्कुल आग जो उगल रही है, बहुत ही शानदार लाइव पा चुके हैं दोनों ही बल्लेबाज। इस तरह से पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है, बहुत ही महंगा ओवर जो साबित रहा, पहले ओवर की समाप्ति पर कुल स्कोर ठीक 23 रन। ईगल आय परिवार द्वारा आयोजित ईगल आय सीजन 2 का जो टूर्नामेंट, क्या खूबसूरत जो सेटअप इस टूर्नामेंट के लिए, ईगल आय परिवार द्वारा बहुत ही शानदार मैदान, मैदान के बाहर जो लहराते हुए झंडे, मैदान के इर्द गिर्द जो चारों ओर जो पंडाल जो दर्शकों को बैठकर छाव के नीचे बैठकर जो मैच का निरीक्षण करने के लिए सुविधा कर रखी है, तथा यूट्यूब लाइव ये बॉलिंग मार्क पर काफी सीनियर मोस्ट खिलाड़ी आत्माराम बाड़कर जो इस समय, मैं इन्हीं का जिक्र कर रहा था मैच शुरू होने से पहले, ठीक 32 सालों का एक्सपीरियंस ने इस लेवल का टूर्नामेंट खेलने का, अपने 9वें साल में ही जिन्होंने इस लेवल के क्रिकेट में जो पादार्पण किया था, यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह का जो एक्सपीरियंस रहेगा जिनके पास, खास तौर से नॉर्थ कैनरा में नाम कमाने वाले दो बड़े टीमों के जो हिस्सा थे, शंकर 11 तथा मालसा जैसे दो बड़े टीमों से लगभग 20-25 सालों तक खेलने का जो एक्सपीरियंस, जब भी अपने करियर के पीक पर थे उस समय पर जिन्होंने एक महान गेंदबाज का जो दर्जा हासिल किया था, आज भी ओहो दर्जा जिनके लिए जो हासिल, इस समय अपने कोटे का पहला तथा टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर इस समय बॉलिंग मार्क पर जिनके सामने रहेंगे बल्लेबाज नवीन। राइट आर्म ओवर द विकेट को लेकर आत्माराम बाड़कर इस समय अपने कोटे की पहली गेंद को लेकर, बढ़िया गेंद, पहले जब भी यंग थे उस समय पर जो फेस थी वो फेस नहीं अब, लेकिन फिर भी बढ़िया लाइन और लेंथ के साथ बल्लेबाजों को जो फंसाना जानते हैं। इसी बीच ओवर की अगली गेंद, इस बार
सीधे बल्ले से खेल दिया गेंद पहले टिप्पे के साथ सीधे कमेंट्री बॉक्स में, चार रनों के लिए पहला चौका हो चुका आत्माराम के गेंद पर। इस तरह से कुल स्कोर जो ठीक 27 रन, 27 पर पहुंच चुका है टोटल स्कोर। आक्रामक ढंग की शुरुआत हो चुकी है 11 ब्रदर्स कारवार टीम के लिए। आईसी 11 एक नई टीम, काफी सीनियर मोस्ट खिलाड़ी है तथा कुछ यंग खिलाड़ियों को लेकर एक नई टीम जो बनाई है, जो आत्माराम बाड़कर ने एक नई टीम जो उतारी है ईगल आई परिवार सीजन 2 के टूर्नामेंट में। इसी बीच जावर की अगली गेंद, इस बार फुल टॉस कड़ा प्रहार, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, बढ़िया लय पा चुके हैं बल्लेबाज जो नवीन, छक्के के साथ जिन्होंने अपनी बारी की शुरुआत की थी। आक्रामक ढंग के बल्लेबाज का एक संकेत पहली गेंद से दे दिया था, खतरे की घंटी पहली गेंद से जिन्होंने बजाई थी। कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंच चुका ठीक 33 रन, 10 रन जो खर्च हो चुके हैं पहली गेंद पर, जो डॉट गेंद के साथ शुरुआत जरूर की थी आत्माराम ने, उसके बाद में एक महंगी गेंदबाज का प्रेशर। इस बार फुलटॉस गेंद का फायदा नहीं उठा सके, स्वीप लगाना चाह रहे थे जो बैठ कर, गेंद कंधे पर जा टकराई सीधा डॉट डिलीवरी, बढ़िया कमबैक। इसी बीच ओवर की अगली गेंद, इस बार फुल टॉस कड़ा प्रहार, गेंद फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39 पर पहुंच चुका, महंगे ओवर के रूप में जो तब्दील हो चुका है। 16 रन जो खर्च हुए 5 गेंदों पर, नवीन काफी बढ़िया लय में बल्लेबाजी करते हुए इस समय पर। पहला मैच भी एक हाई स्कोरिंग गेम रहा था, ये मैच भी बिल्कुल एक हाई स्कोरिंग गेम के रूप में बदलता हुआ इस बार खेल दिया लॉन्ग ऑन फील्डर के हाथों में। एक ही रन, एक रन के जरिए कुल स्कोर जो ठीक 40 रन, 20 के औसत के साथ पहले दो ओवर्स में 40 रन जो बना लिए है 11 ब्रदर्स कारवार टीम ने। इस मैच के बाद में आज का दिन का तीसरा मैच जो हो जाएगा शिव क्रिकेटर्स वर्सेस मांडवी फ्रॉम गोवा। बॉलिंग मार्क पर सलीम, काफी सीनियर खिलाड़ी जो सलीम इसमें बॉलिंग मार्क पर जिनके सामने है। पहले बात नवीन, लेग स्पिन गेंदबाजी है, टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकली है, हल्की सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद जरूर थी लेकिन गेंद जो घुमाव प्राप्त करती हुई है मौका नहीं दिया बल्लेबाज को बड़ा स्ट्रोक खेलने का। एक ही रन के साथ जो शुरुआत जो तीसरे ओवर में 41 पर पहुंचाई टोटल स्कोर। सलीम फिर एक बार बढ़िया गेंद, लेग कटर डिलीवरी, फिर एक बार टप्पा खाते ही बाहर की तरफ निकली डॉट डिलीवरी, बढ़िया गेंदबाजी करते हुए सलीम। पिछले दोनों ही ओवर्स महंगे ओवर रहे थे, उसकी भरपाई करने की कोशिश में इस समय पर दो गेंदों पर मात्र एक ही रन जो खर्च कर चुके हैं सलीम। स्ट्राइक पर गौरव, बढ़िया गेंद विकेट के पीछे, नदीम वहां पर गलत निशाना रहा, एक रन का इजाफा हो चुका टोटल स्कोर में। कुल स्कोर बाई का इशारा मिलता हुआ अंपायर का, कुल स्कोर 42 रन 42। मेरे साथ में दो दो स्कोरर्स यहां पर, मिस्टर मांजरेकर तथा संतोष, काफी जिम्मेदारी के साथ बहुत ही खूबी के साथ जिन्होंने अपने कार्यक्रम को जो संभाला हुआ है, और वहां पर धूप में स्कोर बोर्ड जो संभाले हुए है शिवराज, शिवराज तथा मणिकंठा। सलीम बढ़िया गेंदबाजी करते हुए बड़े स्ट्रोक पर पूरी तरीके से काबू रख लिया है इस ओवर में। इससे पहले दोनों ही ओवर्स में लगातार चौके छक्के जो खर्च हो रहे थे उस पर रोक लगाई है फिलहाल गेंदबाज सलीम ने।
इस बार पुल टॉस गेंद जरूर थी, लो पुल टॉस डिलीवरी फायदा ना उठा सके और वहां पर एक रन का जो मामला रहा। नदीम जब भी फील्ड करके थ्रो करते एक रन लेने का मौका, इस एक रन के साथ कुल स्कोर 43। लेग बाय का इशारा मिला जो अंपायर का, इसी बीच गौरव राणे इस समय स्ट्राइक पर। बढ़िया गेंद, धीमी गति के साथ वहां पर बल्लेबाज को जो फंसा रहे हैं, काफी बढ़िया गेंदबाजी करते हुए वापसी पाली है अब इस मैच में आयुष इलेवन टीम ने। इलेवन ब्रदर्स कारवार तथा आयुष इलेवन दोनों ही अगल बगल की टीमें एक दूसरे के सामने इस समय दूसरे राउंड में प्रवेश करने के लिए। बढ़िया गेंद, बहुत ही शानदार ओवर, बिल्कुल तारीफ करनी होगी, पूरी तरीके से रनों पर रोक जो लगाई है। एकमात्र रन जिन्होंने इस ओवर में बल्ले से जो खर्च किया, बचे हुए रन जो एक्स्ट्रास के खाते में है, मात्र 3 ही रन जो खर्च करते हुए अपनी टीम को यहां पर वापसी दिलाई है। तीसरे ओवर की समाप्ति पर कुल स्कोर हो चुका ठीक 43 रन, 43 विदाउट लॉस, सॉरी जो 4 रन जो खर्च रहे पिछले ओवर में, 44 रन हो चुके स्कोर बोर्ड पर। अब जो खेलने के लिए अंतिम 12 गेंदों का खेल जो शेष, बॉलिंग मार्क पर चौथे ओवर में चौथे गेंदबाज के रूप में प्रसाद। पिछला ओवर बढ़िया ओवर साबित रहा आयुष इलेवन टीम के लिए, पूरी तरीके से रोक जो लगाई रखी है, फील्डिंग की सजावट में जुड़ चुके हैं जो प्रसाद। स्ट्राइक पर वहां पर गौरव देख रहे मैदान के चारों ओर अपने लिए किस तरह की, किस ढंग की जो फील्डिंग की सजावट हो चुकी है। इसी बीच खेलने के लिए तैयार बाएं हाथ के गेंदबाज, बढ़िया गेंद रन के लिए निकल पड़ी, एकमात्र रन पिछले 7 गेंदों पर मात्र 5 ही रन जो खर्च किए हैं आयुष इलेवन ने, बिल्कुल वापसी पार की है समय पर। 45 पर पहुंचा टोटल स्कोर, 45 विदाउट लॉस। प्रसाद फिर एक बार, इस बार कमजोर गेंद, कड़ा प्रहार, एक और छक्का हो चुका, अंपायर का इशारा मिलता हुआ 9 गेंद का, 7 रनों का इजाफा हो चुका टोटल स्कोर में। टोटल स्कोर अब 50 का आंकड़ा पार करते हुए पहुंच चुका ठीक 52 पर। बिल्कुल एक महंगी गेंद रही, कमजोर गेंद, पूरा पूरा फायदा ले लिया नवीन जिन्होंने जिस गेंद का, नवीन जो अपना निजी स्कोर 31 रन बनाकर इस समय स्ट्राइक पर तथा नॉन स्ट्राइक पर 19 रन के साथ गौरव राणे अर्धशतकीय साझेदारी है दोनों ही खिलाड़ियों के बीच में। मेरे ख्याल से इस टूर्नामेंट में पहली जोड़ी रही है, सलामी जोड़ी है अर्धशतकीय साझेदारी निभाने वाली है। बढ़िया गेंद, बढ़िया कमबैक, गणु भूवी जो लॉन्ग ऑफ की दिशा में सफाई के साथ जिन्होंने फील्ड किया, बॉलर एंड तरक का जब तक थ्रो को सौंपते तब तक अपने अपने छोर को जो बदल लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने, एक और रन जो टोटल स्कोर में, टोटल स्कोर 53। फिर एक बार गणु के हाथों में गेंद, हल्की सी मिस फील्ड लेकिन जल्द से जल्द काबू रख लिया जिन्होंने जिस गेंद पर, गलत थ्रो जरूर लेकिन लपक लिया जिस थ्रो को गेंदबाज ने, इस एक रन के साथ टोटल स्कोर 54। बढ़िया गेंद, बढ़िया वापसी, बढ़िया कमबैक, एक ही रन, एक रन के साथ 55 पर पहुंचा टोटल स्कोर। हवा में गेंद,
और वहां पर मिस फील्ड मौका था वहां पर फील्डर्स को जिस चौके को रोक लेने का, लेकिन दो दो फील्डर वहां पर जिस गेंद को रोकने में असफल रहे। गेंद दोनों ही फील्डर्स के बीच जो बीच से निकल चुकी है मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। एक वेलकम शॉट गौरव राणे के बल्ले से, इस चौके के जरिए गौरव राणे अपना निजी स्कोर 23 रन के साथ इस समय स्ट्राइक पर बॉलिंग मार्क पर जिनके सामने जो प्रसाद। बढ़िया गेंद बढ़िया फील्डिंग शॉट मिड विकेट की दिशा में, रन का कोई मामला नहीं। डॉट डिलीवरी ओवर की समाप्ति आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फोर्थ ओवर स्कोर 59 विदाउट लॉस। एक और हिंदी के कमेंटेटर यहां पर पादार्पण कर चुके हैं जो रूपेश नाइक का, जिन्हें भी मेरे ओर से तथा ईगल आय परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक सुस्वागत। नई गेंदबाज के रूप में सुशांत, एक कीमती ऑलराउंडर जो सुशांत इस समय बॉलिंग मार्क पर। टोटल स्कोर जो चौथे ओवर की समाप्ति पर, पहले दो ओवर्स में 40 रन खर्च किए थे कुछ हद तक, पिछले दो ओवर्स में रनों पर रोक लगाई है आयुषु 11 ने। इस बार आते ही सुशांत जो दिशा से भटके वाइड के साथ एक और रन खर्च रहा, कुल स्कोर जो ठीक 60 रन 15 की औसत। अंतिम ओवर का खेल जो जारी है, शॉर्ट अपलेंथ गेंद पर रख लिया, कड़ा प्रहार, गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। नवीन के बल्ले से निकला हुआ एक और छक्का हो चुका, बहुत ही लंबा छक्का, छक्के के साथ टोटल स्कोर 67 पर पहुंचा 66। काफी शानदार जो बल्लेबाजी है। बढ़िया शॉट, कड़ा प्रहार, ऊंचे कद के खिलाड़ी गनू वहां पर मौजूद जरूर थे, लेकिन जिनके पास कोई मौका नहीं रहा, सिर्फ जो दर्शक बन बैठे, जो गनू गेंद जिनके सर के ऊपर से जो गुजर चुकी, 6 रनों के लिए लगातार दूसरा छक्का हो चुका जो नवीन के बल्ले से, कुल स्कोर 72 पर पहुंच चुका 72। नवीन जो अपना निजी स्कोर मात्र 16 गेंदों पर 45 रन के साथ, अब तक एकमात्र खिलाड़ी ने इस टूर्नामेंट में हैट्रिक छक्के लगाए हैं जो योगेश माजाड़ी करने, यहां पर एक मौका है नवीन के पास, प्रयास जरूर था। गेंद पैर पर टकराई, बढ़िया वापसी, डॉट डिलीवरी जो सुशांत द्वारा, 45 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए जो नवीन, कुल स्कोर हो चुका है 72 रन। सुशांत फिर एक बार खेल दिया, गेंद मैदान से बाहर और छक्के के साथ अर्धशतक जो पूरा होता हुआ बल्लेबाज नवीन, जिनका दूसरे खिलाड़ी बने इस टूर्नामेंट में जो अर्धशतक बनाने वाले, कुल स्कोर हो चुका 78। क्लीन बोल्ड, पहला धक्का हो चुका 78 रन पर, बहुत ही शानदार जो बारी खेली नवीन ने अपनी टीम के लिए, और वहां पर गेम स्पिरिट जो दिखाते हुए जो आत्माराम बाड़कर जिन्होंने उन्हें बधाई दी जो अपने उनके जो अर्धशतकीय बारी के लिए, बहुत ही शानदार बारी खेलकर वापिस पवेलियन लौटते हुए जो नवीन। अंतिम गेंद का खेल शेष, कुल स्कोर हो चुका है ठीक 78।
बर्बादे ही खेल दिया सीधे मैदान से बाहर 6 रन के लिए। इस तरह से 84 रनों पर जो बारी समाप्त हो चुकी है। और अगला खुद एक हाल के लिए मैं माइक्रोफोन सौंप रहा हूं यहां पर रूपेश नाइक के पास। साथ ही साथ आगाज हो चुका है ईगल आई परिवार का जो सीजन 2 का ये टूर्नामेंट इस कालिका देवी के मैदान के पर कल से जो शुरू हुआ था ये टूर्नामेंट। कुल मिला के जो मैच खेला जा रहा है 11 ब्रदर्स कारवार बनाम एसयू 11 के बीच में, 11 ब्रदर्स कारवार ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 84 रन जो स्कोर बोर्ड पे लगा दिया है, 85 रनों का जो टारगेट सेट किया है ऐशु 11 की टीम को। दोनों ही टीमों के कप्तान से निवेदन करता हूं कि 13वां खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में भेजें। आपके नाम हमें मालूम नहीं रहते तो आपके नाम एक्स वाई जेड के नाम से यहां पर दर्ज करने हो जाएंगे। जो यहां पर जो लाइव कास्ट भी रखा गया है यूट्यूब, इसलिए आपके गेंदबाज हो या फिर बल्लेबाज आपके नाम के लिए दिक्कत हो जाती है। तो दोनों ही कप्तानों से निवेदन करता हूं कि अपना 13वां जो खिलाड़ी जो एक्स्ट्रा खिलाड़ी यहां पर कमेंट्री बॉक्स में भेजे। फिलहाल 11 ब्रदर्स कारवार बनाम एसयू 11 के बीच में ये मुकाबला चलता हुआ, पहले बल्लेबाजी करते हुए 11 ब्रदर्स कारवार ने 84 रन जो स्कोर बोर्ड पे लगा दिए है, 85 रनों का जो टारगेट सेट किया है एसयू 11 की मैच को। इस मैच में इसके बाद जो मैच खेला जाएगा शिव स्ट्राइकर्स बनाम मांडवी गोवा के बीच में, इस मैच के लिए जो अंपायर धनंजय देवदास विश्वास बांदेकर दोनों ही बल्लेबाजों को समझाते हुए। इसके बाद जो मैच खेला जाएगा शिव स्ट्राइकर्स बनाम मांडवी गोवा के बीच में, दोनों ही कप्तान से निवेदन करता हूं अपने जो प्लेइंग 11 यानी कि 11 खिलाड़ियों के नाम कमेंट्री बॉक्स में दर्ज करें। शिव स्ट्राइकर्स मांडवी गोवा के टीम के कप्तान से निवेदन करता हूं कि जो 11 खिलाड़ी आज उनके मैच में खेलेंगे उनके नाम कृपया कमेंट्री बॉक्स में दर्ज करें। मैच की शुरुआत होने जा रही है, टारगेट सेट किया है 85 रनों का 11 ब्रदर्स कारवार ने। एसयू 11 के सामने गेंदबाजी का जिम्मा संभाला है कमेंट्री बॉक्स एंड से बैट्समैन नेम
स्ट्राइक पर काशी, नॉन स्ट्राइक पर संदेश, बॉलिंग का जिम्मा, अंपायर का इशारा जुड़ता हुआ सिद्धू, नॉन स्ट्राइक पे सिद्धू, अंपायर का इशारा जुड़ता हुआ राइट अबाउट विकेट अतुल, पहली गेंद लेकर, पहली गेंद रिवर्स बना के खेलना चाहते थे काशी, लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं नजर आ रहा, उनका कोई मामला नहीं, स्कोर वही रुका पहला ओवर जो प्रगति पर, टारगेट जो सेट किया है 85 रनों का अतुल, फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, जो टारगेट सेट किया है 85 रनों का अतुल, इस बार ओवर पिच गेंद उछाल करके खेल दिया है मिड ऑफ बाउंड्री पर, चार रन, पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए यहां पर काशी, काशी जानते हैं पावर प्ले के ओवर में किस तरह की बल्लेबाजी कर दी अपनी टीम के लिए, 85 रनों का जो टारगेट सेट किया है 11 ब्रदर्स कारवार ने, फिर एक बार अतुल अपने बॉलिंग मार्क पर, राइट अमोद विकेट कमेंट्री बॉक्स एंड से अतुल, सामना करेंगे काशी, फिर एक बार रिवर्स बना के खेल दिया है, ऑफिस गेंद पर जोरदार प्रहार, सीधा सी मारे पार, चार रन लगातार काशी के बल्ले से निकलता हुआ दूसरा चौका, जिस शॉट की जरूरत थी समय, जिस शुरुआत की जरूरत थी अश्विन कारवार की टीम को, उसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए काशी, क्या खूबसूरती के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं काशी इस समय, फिर एक बार अतुल राइट अमोद विकेट काशी के लिए, इस बार और पिच गेंद लेकिन रक्षात्मक ढंग से खेला, एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात, जब तक गेंद फील्ड होकर थ्रो होती रन का कोई मामला नहीं, स्कोर वही रुका हुआ 8 रन, अतुल फिर एक बार कमेंट्री बॉक्स एंड से काशी के लिए, इस बार फुल टॉस गेंद और पूरी तरह से चूके वहां पर काशी, अगर सीधे बल्ले से खेलते तो निश्चित रूप से इस गेंद पर 4 या 6 में तकदील कर सकते थे, लेकिन रिवर्स बना के खेलने की कोशिश में गेंद और बल्ले में सही तरह से संपर्क नहीं हुआ, नतीजा रन का कोई मामला नहीं, स्कोर वही रुका हुआ 8 रन बिना कोई विकेट खोए, अतुल फिर एक बार अपने पहले विकेट तलाश में काशी के लिए, इस बार ओवर पिच गेंद खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑन और मिड ऑन के बीच और बीच से, लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं, एक रन का एक ओवर का समाप्ति पर स्कोर हो चुका है 8 रन बिना कोई विकेट खोए, जीत के लिए अभी भी 77 रनों की जरूरत, 77 रनों की जरूरत बचे हुए 30 गेंदों में, बचे हुए 24 गेंदों में 77 रनों की जरूरत, काशी तथा सिद्धू को याद दिला दो, सिद्धू को अभी भी खाता खोलना है, काशी तथा सिद्धू को याद दिला दो, जिस तरह से शुरुआत की जरूरत थी उसी अंदाज में शुरुआत करनी होगी जीत दर्ज करने के लिए, हर एक ओवर में 20.00 की औसत, सूरज तैयार कमेंट्री बॉक्स एंड से कलाइव के सारे मोड़ दिया है, वहां पर खिलाड़ी तैनात लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, जब तक गेंद हो फील्ड होकर थ्रो करता आसानी के साथ एक रन का मामला, इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन बिना कोई विकेट खोए, इक्के दुक्के से कुछ होने वाला नहीं है, अगर जीत दर्ज करनी है तो चक्के तथा चौकों की बरसात लगानी होगी, काशी तथा सिद्धू को याद दिला दो 20.00 की औसत प्रति ओवर, लगभग 20 की औसत से रन बनाने होंगे जीत दर्ज करने के लिए, इक्के दुक्के से कुछ होने वाला नहीं है, हर एक ओवर में 2 छक्के 2 चौके आना जरूरी, उसी अंदाज में बल्लेबाजी करनी होगी, 10 विकेट अभी भी हाथ में, सूरज फिर एक बार तैयार राइट अमोद विकेट पहले विकेट तलाश में कमेंट्री बॉक्स एंड से, सूरज इस बार दिशाहीन गेंद लेक्स्टिक को छोड़कर जाती हुई वाइड करार दी धनंजय ने, इस एक रन का स्कोर बढ़ता हुआ 10 बिना कोई विकेट खोए, जीत के लिए अभी भी 75 रनों की जरूरत, सूरज तैयार राइट अमोद विकेट काशी के लिए, इस बार फुल टॉस गेंद उछाल करके खेल दिया मिड ऑन बाउंड्री पर, 4 रन, कोई मौका नहीं खिलाड़ी को रोकने के लिए, इस 4 रन की बदल स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन बिना कोई विकेट खोए, दूसरा ओवर जो प्रगति पर, ईगल आई चैंपियनशिप 2023 सीजन 2 का ये टूर्नामेंट जिस अंदाज के साथ इस कालिका देवी मैदान पर हर तरफ जो लहराते हुए झंडे, चमचमाती हुई जो ट्रॉफियां इस समय इस टूर्नामेंट में
जितनी तारीफ की जाए उतनी कम ईगल आई परिवार की, जिन्होंने जिस तरह से इस टूर्नामेंट का जो आयोजित किया है कालिका देवी मैदान पर। फिर एक बार सूरज इस बार अपील तो करते रनआउट का मौका, और यहां पर एक सुसाइड केस, एक दिवसीय मैच में रनआउट होना यानी कि सुसाइड केस बराबर माना जाता है। उसी अंदाज में रनआउट होकर काशी वापस, काशी ने आउट होने से पहले अपनी टीम के लिए 13 रनों का एक बहुमूल्य जो योगदान दे दिया, जिसमें 3 चौके शामिल। स्कोर वही रुका है 14 रन। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम लेवन ब्रदर्स कारोबार की, जिस तरह से बांध के रखा है अशु इलेवन की टीम को। क्या खूबसूरती के साथ जो गेंदबाजी कर रहे हैं लेवन ब्रदर्स कारोबार, जिस तरह से 5 ओवर में जो 84 रन की जो टारगेट यानी कि 85 रनों के जो टारगेट सेट किया था अशु इलेवन के लिए। बैट्समैन नेम अभी नए बल्लेबाज के रूप में अभी सूरज अपने पहले विकेट तलाश में अभी के लिए राइट अबाउट द विकेट। इस बार पहली सफलता हासिल कर ली सूरज ने, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। बात ही कर रहे थे कि पहली सफलता हासिल करने की कोशिश में लगे थे सूरज, और पहली सफलता जो हासिल कर ली सूरज ने, जो दूसरा धक्का लगता हुआ टीम लेवन ब्रदर्स कारोबार को 14 रन के स्कोर पर 7.00 की औसत जो कुछ मायने नहीं रखेगी अशु इलेवन के लिए, जहां पे जो रन रेट जो चल रही है लगभग 25 की औसत से रन बनाने होंगे जीत दर्ज करने के लिए अशु इलेवन की टीम को। जो रन रेट रिक्वायर्ड रन रेट जो चल रही है इस समय 25.00 की, लेकिन करंट रन रेट जो चल रही है अशु इलेवन की 7.00। बैट्समैन नेम अभी बाएं हाथ के बल्लेबाज, अभी दाएं हाथ के बल्लेबाज अभी आउट हो चुके पवेलियन ऑफिस। बाएं हाथ के बल्लेबाज अभी अब जो बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं सूरज तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए आते ही जो फुलटस गेंद जरूर फेंकी थी, लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं, नतीजा रन का कोई मामला नहीं। स्कोर वही रुका हुआ 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले खिलाड़ी काशी, जिन्होंने 3 चौके जरूर जड़े थे, लेकिन उसके बाद अभी डक आउट होकर पवेलियन वापस। फिर एक बार सूरज अपने दूसरे विकेट की तलाश में, थोड़ी सी तकलीफ होती हुई सूरज के लिए। सूरज तैयार बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, क्या खूबसूरत गेंदबाजी सूरज की, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। इस बार उछाल करके खेलने की कोशिश में गेंद और बल्ले में सही तरह से संपर्क नहीं, नतीजा रन का कोई मामला नहीं। डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति, कुल मिला के 2 ओवर समाप्ति के बाद 7.00 की औसत से 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले खिलाड़ी काशी, उसके बाद अभी जीत के लिए 71 रनों की जरूरत, लगभग जो 25 की औसत इस समय टीम अशु इलेवन के लिए। गेंदबाजी में बदलाव, बॉलर नेम नवीन। गेंदबाजी में बदलाव किया है लेवन ब्रदर्स कारोबार के टीम के कप्तान ने। नवीन तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। बल्लेबाजी में सिद्धू, जीत दर्ज करनी है तो छक्के तथा चौकों की बरसात लगानी होगी अभी तथा सिद्धू को याद दिला दो, इक्के दुक्के से कुछ होने वाला नहीं है। हर एक ओवर में 25 की औसत। नवीन तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। राइट आर्म राउंड द विकेट, इस बार आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं, नतीजा रन का कोई मामला नहीं। स्कोर वही रुका हुआ 14 रन। अगर इसी तरह से बल्लेबाजी होती रही तो सिर्फ औचारिकता ही बच जाएगी अशु इलेवन की टीम के लिए। इस बार उछाल करके खेल दिया है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात, जो तीसरा धक्का लगता हुआ
इसके बाद जो मैच खेला जाएगा शिव स्ट्राइकर्स बना मांडवी गोवा के बीच में, टॉस जीता है मांडवी के कप्तान ने और अपना डिसीजन जो पेंडिंग रखा है। नवीन आते ही एक सफलता हासिल कर ली नवीन ने, सिद्धू आउट होकर पवेलियन वापस, और मांडवी 11 के गोवा की टीम का कप्तान ने टॉस जीते ही क्षेत्र रक्षण करने का जो फैसला ले लिया है। शिव ट्राइकर की टीम के कप्तान को उन्होंने नियता दे दिया है बल्लेबाजी करने के लिए। नवीन अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार, अब जो सिद्धू की जगह संभालेंगे नए बल्लेबाज बैट्समैन नेम बैट्समैन सुशांत, नए बल्लेबाज सुशांत, गेंदबाजी में नवीन तैयार। अगर इसी तरह से बल्लेबाजी होती रही तो निश्चित रूप से औचाकता ही बच जाएगी। 25.00 के अवसर से रन बनाने होंगे जीत दर्ज करने के लिए। नवीन फिर एक बार तैयार, राइट ऑफ राउंड द विकेट इस बार सुशांत के लिए। सुशांत ने फुल टॉस गेंद पर खेल दिया है, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात, जब तक फील्ड होके गेंद थ्रो करते आसानी के साथ एक रन के साथ सुशांत ने अपना खाता खोला, टीम का स्कोर पहुंचा दिया है 15 रन। इक्के दुक्के से कुछ होने वाला नहीं है, फिर एक बार अविता सुशांत को याद दिला दूं, इक्के दुक्के से कुछ होने वाला नहीं है। नवीन फिर एक बार तैयार, इस बार जोरदार प्रहार लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात, क्या खूबसूरत फील्डिंग का नजारा। खुद कप्तान टीम के इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। फिर एक बार नवीन तैयार, राइट आर्म राउंड द विकेट सुशांत के लिए। इस बार ओवर पिच गेंद जरूर थी लेकिन कट करके खेला है, कोई खिलाड़ी को मौका नहीं, वहां पर गेंद सीमा रेखा पार 4 रन। सुशांत के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका, इस 4 रन की मदद स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर जो प्रगति पर इस समय, इसके बाद सिर्फ 2 ओवर का खेल मुकम्मल बाकी। फिर एक बार नवीन, राइट आर्म राउंड द विकेट सुशांत के लिए। इस बार आड़े बल्ले से खेल दिया है, मिड ऑन बाउंड्री पार 6 रन, क्या खूबसूरत शॉट सुशांत के बल्ले से निकलता हुआ। इस 6 रन की मदद स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। अगर इसी तरह से बल्लेबाजी होती रही तो निश्चित रूप से मैच ऐसी 11 3 ओवर समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 26, लॉस ऑफ 3 विकेट, 2 ओवर का खेल मुकम्मल बाकी। बचे हुए 2 ओवर में बारह गेंदे 59 रनों की जरूरत। बॉलर नेम रोशन, अब जो गेंदबाजी में रोशन आए हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज, राइट ऑफ द विकेट रोशन, क्या खूबसूरत गेंदबाजी। बेहतरीन गेंदबाजी का मजा रहा रोशन द्वारा, डॉट गेंद के साथ शुरुआत की है रोशन ने। अब जो सिर्फ बचे हुए 11 गेंदे 59 रन, यानी कि 3.00 की औसत, 5 छक्के तो मुकम्मल लगाने होंगे जीत दर्ज के। इसी बीच खेल दिया है मिड ऑफ के क्षेत्र में, वहां पर थोड़ी सी मिस फील्डिंग दिलीप द्वारा, 4 रन के साथ स्कोर हो चुका 30 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। जीत के लिए अब जो 55 रनों की जरूरत, बचे हुए 10 गेंदे 55 रन। रोशन फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, क्या खूबसूरती के साथ गेंदबाजी हो रही है। पहले बल्लेबाजी बेहतरीन की थी 11 ब्रदर्स कारवार की टीम ने, उसके बाद गेंदबाजी रोशन, इस बार सीधे बल्ले से खेला जाता गेंद और बल्ले में संभव नहीं, फिर एक बिंदी गेंद स्कोर वही रुका हुआ 30 रन। जीत के लिए अभी भी 9 गेंदे 55 रनों की जरूरत। अब जो ये धीरे धीरे मैच 11 ब्रदर्स कारवार के पक्ष में जाता हुआ
फिर एक बार रोशन तैयार, बाएं हाथ के बल्लेबाज, इस बार रिवर्स बना के खेल दिया है गेंद के नीचे, दिलीप मौजूद और कोई गलती नहीं करेंगे। चौथा धक्का जो लगता हुआ टीम ऐशन को 30 के स्कोर पर जीत के लिए, अभी भी 8 गेंदे 55 रन। चौथा विकेट का पतन हो चुका है ऐशन कारवार की टीम के। इसके बाद जो मैच खेला जाएगा मांडवी गोवा बनाम शिव स्ट्राइकर्स टीम के बीच में, टॉस जीता है मांडवी गोवा के कप्तान ने और पहले क्षेत्र रक्षण करने का जो फैसला ले लिया है, बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है शिव स्ट्राइकर्स के टीम को। गणेश नए बल्लेबाज, नए बल्लेबाज गणेश, स्ट्राइक पर अभी भी मौजूद सुशांत, एक चौका तथा एक छक्का लगाकर जो खेल रहे हैं, अब जो स्ट्राइक पर होंगे गणेश। गेंदबाजी में क्या खूबसूरत गेंदबाजी हो रही है रोशन की तरफ से, अब तक सिर्फ 4 ही रन खर्च करने वाले रोशन फिर एक बार अपने दूसरे विकेट की तलाश में। इस बार खेल दिया है फाइनल बाउंड्री पर 4 रन, कोई मौका नहीं, आते ही गणेश ने 4 रन के साथ अपना खाता खोला, टीम का स्कोर पहुंचा दिया है 34 रन, जीत के लिए 51 रनों की जरूरत, 7 गेंदे 51 रन। क्या खूबसूरत जो गेंदबाजी कर रहे हैं रोशन इस समय, राइट हैंड ऑफ द विकेट गेंदबाजी, 2 चौके जरूर खाए लेकिन एक बहुमूल्य विकेट जो हासिल कर लिया है रोशन ने। रोशन फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, अपने दूसरे विकेट की तलाश में रोशन, गणेश के लिए राइट हैंड ऑफ द विकेट, और इस बार कलाई को सारे मोड़ दिया, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात, जब तक गेंद फील्ड होकर थ्रो करते आसानी के साथ 1 रन जो चुरा लिया, इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 35 रन। 4 ओवर समाप्ति के बाद जो स्कोर हो चुका है 35 रन, जीत के लिए 1 ओवर में 50 रनों की जरूरत, नामुमकिन इस समय ऐसी इलेवन टीम के लिए, लेकिन अगर 9 गेंदे डालते रहेंगे तो कुछ हद तक मौका बन सकता है, लेकिन 99% मैच 11 ब्रदर्स कारवार के पक्ष में जाता हुआ। गेंदबाजी में दिलीप राइट ऑफ द विकेट, आखिरी ओवर की पहली गेंद लेकर, और जोरदार अपील जरूर हुई थी लेकिन कोई असर नहीं, नतीजा बिंदी गेंद के साथ शुरुआत दिलीप द्वारा, 5 गेंदे 50 रन, अब तो ये निश्चित रूप से मैच 11 ब्रदर्स कारवार के पक्ष में ही। फिर एक बार दिलीप और एक बिंदी गेंद, 4 गेंदे 50 रन, अब तो ये मैच पूरी तरह से जीत दर्ज कर चुके हैं 11 ब्रदर्स कारवार की टीम। दिलीप फिर एक बार आड़े बल्ले से खेल दिया है मिड ऑन के क्षेत्र में, वहां पर थोड़ी सी मिसफील्डिंग हुई, नतीजा 4 रन, इस 4 रन के बदले स्कोर बढ़ता हुआ 39 रन, जीत के लिए 3 गेंदे 46 रन। दिलीप फिर एक बार तैयार, अब सिर्फ औपचारिकता ही बची है इस मैच में, फिर एक बिंदी गेंद, अंपायर का इशारा देखना चाहिए, लेग बाय का, इसे स्कोर बढ़ता हुआ 40 यानी कि 40 रन, जीत के लिए 45 रनों की जरूरत, 2 गेंदे 45 रन। फिर एक बार दिलीप राइट ऑफ मोड़ दी, इस बार कलाई को सारे मोड़ दिया है, वहां पर खिलाड़ी तैनात, जब तक गेंद फील्ड होकर थ्रो कर आसानी के साथ 1 रन का जो मामला हो चुका, 1 गेंद पर 44 रनों की जरूरत यानी कि 44 रनों की जरूरत। आखिरी गेंद और उछाल करके खेल दिया लॉन्ग के क्षेत्र में, और इसके साथ ही 11 ब्रदर्स कारवार की टीम को कॉन्ग्रेचुलेशन, मैन ऑफ द मैच के किताब के लिए नवीन को मैं कमेंट बॉक्स में बुलाना चाहूंगा।
11 ब्रदर्स के द ओपनर बैट्समैन मिस्टर नवीन को मैं स्टेज के सामने बुलाना चाहता हूँ, द ऑपोजिट ऑफ कॉमेंट्री बॉक्स, स्टेज के सामने द मैन ऑफ द मैच नवीन। 19 गेंदों का सामना करके 51 ये दूसरा अर्धशतक, एकल आई चैंपियनशिप 2023 का सीजन टू में ये दूसरा अर्धशतक। मैं सचिन बांदेकर से गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज के सामने है। मिस्टर सचिन बांदेकर, मैन ऑफ द का खिताब नवीन, जिन्होंने एकल आई चैंपियनशिप 2023 में जो दूसरा अर्धशतक लगाने वाले जो खिलाड़ी नवीन,